गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि जो अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड का सिलेबस है, उस सिलेबस के बारे में हमने आपको शायद हमने आपको बता दिया कि कौन सी बुक खरीदनी है। आशा करते हैं आप सबने खरीद ली होगी, जिसने नहीं खरीदी है वो खरीद लो, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहली क्लास जो है थर्ड सेमेस्टर में है, जो मैथ है थर्ड सेमेस्टर का, उसकी जो पहली क्लास है वो आपने लेने जा रहे हैं। और पहली क्लास जो है वो हमने आपको बताई थी कि हम टाइप किसकी लेने वाले हैं, तो हमारा जो टॉपिक है वो है आप भी या मैथमेटिक्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते होंगे मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। जो जो जानते हैं जरा कमेंट बॉक्स में बताओ हमें कि क्या होती है मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए देखते हैं मैट्रिक्स क्या होती है। तो मैट्रिक्स क्या है, एक सिस्टम जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, एक सिस्टम जिसमें हम एलिमेंट्स या अवयव या तत्व, एलिमेंट अवयव या तत्व, ठीक है। तत्व क्या है, मतलब हमारे जो भी नंबर्स होते हैं, ठीक है, उन नंबर्स को हम क्या करते हैं, एम रो या इसी को हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा, ठीक है, या रो जो है उसको हम बोलते हैं क्या, पंक्ति, ठीक है। लेकिन पंक्ति पंक्ति याद नहीं करो, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले हो या कुछ भी, रो रो मतलब क्या होती है, जो हमारी पड़ी लाइन होती है वो, ठीक है। तो एम रो और एम कॉलम, एम कॉलम, कॉलम को हम क्या बोलते हैं, स्तंभ, ठीक। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा सिस्टम जिसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स को एम रो और एन कॉलम में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं या व्यवस्थित करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम एलिमेंट अवयव या तत्व जो होते हैं उनको हम एम रो और एन कॉलम में अरेंज करते हैं, तो इस प्रकार से जो हमारा सिस्टम बनता है उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, आव्यूह, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, चलिए एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हमने आपसे बोला कि एक हम मैट्रिक्स बना रहे हैं, मैट्रिक्स को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट जो होता है उसके अंदर लिखते हैं, ठीक है। इसमें ये, ठीक, तो ये हमारे सामने एक मैट्रिक्स का एग्जांपल है। इसमें ये जो लाइंस होती हैं, ठीक, इन लाइन को हम क्या कहते हैं, ये जो लाइन होती हैं इन लाइन को हम बोलते हैं कौन सी रेखाएं, क्या बोलते हैं इनको, इनको स्टूडेंट्स हम बोलते हैं रो या पंक्ति। समझ में आ रहा है ना, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, रो या पंक्ति कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारी ये खड़ी लाइनें होती हैं, ठीक है, ये जो हमारी लाइन होती हैं, इन लाइंस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इन सारी लाइंस को हम बोलते हैं कॉलम, क्या कहते हैं, कॉलम, या इसको हम बोलते हैं स्तंभ, ठीक है। और ये जो हमारी ये A11 है, ये A12, A13, ये चीजें क्या है, इन्हें हम कहते हैं एलिमेंट या हमारी जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स के अवयव या तत्व, ठीक। जहां तक है आप सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा कि मैट्रिक्स होती क्या है, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम एम रो और एन कॉलम को एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अरेंज करते हैं, तो इस प्रकार से बने हुए सिस्टम को हम कहते हैं मैट्रिक्स। जैसा कि हमने आपको सामने बताया कि एक हमारी मैट्रिक्स है, इसमें जो हमारी A11, A12, A13 मतलब ये जो हमारी क्षैतिज रेखाएं हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, उनको हम बोलते हैं रो, और जो हमारी ऊर्ध्वाधर लाइन होती हैं या वर्टिकल लाइंस होती हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉलम। इज दैट क्लियर, अगर आप सभी को क्लियर हो तो हमें जरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छा, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो,
ठीक है, आपके भाई बहन दोस्त यार सब होंगे, सबको जोड़ो, लड़के लड़की हो सब जुड़ जाओ, ठीक है, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, क्योंकि सिलेबस बहुत है, अगर अभी सोते रहे तो बाद में फिर कुछ नहीं होने वाला, बाद में फिर बोलोगे रोओगे कि भाई बैक आ गई, ये आ गया, वो आ गया, तो ऐसा सब कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो मैट्रिक्स आपका क्लियर हो गया। अच्छा एक बात और, सारे स्टूडेंट्स जो है वो, हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि बुक खरीदनी है, तो बुक का हमने बोला था आप लोग अभी फिलहाल बुक खरीद लो। अगर आप 200 प्लस स्टूडेंट्स, हमने जो आपको लिंक दिया हुआ है अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, उसमें 200 प्लस स्टूडेंट ऐसे हो जाएं जो चाहते हैं कि क्लास लाइव स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो अगर आप 200 प्लस स्टूडेंट्स, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, आपके जितने भी फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी बोलो, ठीक है, जैसे कि हम सोच रहे हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लाइव क्लास प्रोवाइड कराई जाए, ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उस ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज पर भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है, या कमेंट बॉक्स में भी आप हमें बता सकते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं लाइव क्लास स्टार्ट करनी है तो हम आपको 10 अक्टूबर से आपकी लाइव क्लास स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वो क्लास हम तभी स्टार्ट करेंगे जब कम से कम 200 प्लस स्टूडेंट ऐसे हो जो चाहते हो कि लाइव क्लास वो अटेंड करेंगे, ठीक है, अदरवाइज हम लाइव क्लास हैं और बच्चे फिर आप लोग कोई हो नहीं तो फिर मजा नहीं आता है ना, तो आप लोगों की जो लाइव क्लास है वो हम तभी स्टार्ट करेंगे जब आप 200 प्लस स्टूडेंट हमें ऐसे हो जाएं जो कहेंगे कि हाँ सर हम आपकी रेगुलर क्लास हम लेंगे, तब तो पढ़ाने में मजा आएगा ना। अच्छा, और बुक सभी लोग खरीद लें तो बुक वाइज हम आपको एक एक क्वेश्चन, एक एक चीज, एक्सरसाइज वाइज, जैसे भी आप ऑफलाइन क्लास में चलते हो उसी प्रकार से आप लोगों का क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अभी अपन ने सीखा कि मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स में एलिमेंट वगैरह क्या होते हैं, रो क्या होती है, कॉलम क्या होती है, ठीक है, ये सब चीजें हमने आपको बताई, ठीक है। अब अगली चीज अपन को सीखना है कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, क्या सीखना है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो चूंकि हमारे सिलेबस में बहुत सारे टाइप के मैट्रिक्स हैं, ठीक है, जिनमें से हमें जो अभी फिलहाल सीखने हैं इस चैप्टर में, ठीक है, वो इस चैप्टर में अपन को टोटल सीखने हैं ये 10 टाइप के मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें पहला मैट्रिक्स है हमारा कॉलम मैट्रिक्स, दूसरा मैट्रिक्स है हमारा रो मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें कॉलम मैट्रिक्स जो है उसको हम क्या बोलते हैं, स्तंभ अव्यू, कॉलम मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं बेटा, स्तंभ अव्यू। जो हमारा रो मैट्रिक्स होता है उसको हम कहते हैं पंक्ति अव्यू हिंदी में, क्योंकि तो हिंदी में बारे बोलेंगे, सर जी ने इंग्लिश में लिख दिया, अब हमें हिंदी में समझ में नहीं आ रहा कि क्या है जी, है ना, तो हिंदी में भी बताई दे रहे हैं कि कॉलम मैट्रिक्स को बोलते हैं स्तंभ अव्यू, रो मैट्रिक्स को बोलते हैं पंक्ति अव्यू, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जो है उसको हम बोलते हैं क्षैतिज अव्यू, क्षैतिज अव्यू, ठीक है। वर्टिकल मैट्रिक्स को हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर अव्यू, ऊर्ध्वाधर अव्यू। स्क्वायर मैट्रिक्स को हम बोलते हैं वर्ग अव्यू। डायगोनल मैट्रिक्स को हम बोलते हैं विकर्ण अव्यू, ठीक। इसके बाद यूनिट मैट्रिक्स को हम बोलते हैं इकाई अव्यू, इकाई अव्यू। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है उसको हम बोलते हैं त्रिभुजीय अव्यू, त्रिभुजीय अव्यू। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है इसको हम कहते हैं सममित अव्यू, क्या कहते हैं इसको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को सममित अव्यू, ठीक। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम बोलते हैं विषम सममित अव्यू, विषम सममित अव्यू, ठीक, क्लियर ना, ठीक। तो ये सारे आपके अव्यू हैं, ठीक है, एक एक करके हम पढ़ते हैं कि ये अव्यू क्या होते हैं, ठीक है, और इनके बारे में अपन सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला अव्यू कौन सा था अपना, किसी को याद है, या हटा दिया सो भूल गए, ठीक है। देखो सबसे पहला अव्यू है हमारा स्तंभ अव्यू, स्तंभ अव्यू, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है।
ठीक है, पहला कौन सा व्यू है, स्तंभ व्यू या कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। अच्छा एक चीज और, ये जितने व्यू हमने बताए हैं इनके अलावा चार प्रकार के व्यू और है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, यूनिटरी मैट्रिक्स है, और हर्मिटियन है, और स्क्यू हर्मिटियन है। ठीक है, ये चार टाइप के मैट्रिक्स हम आपको आगे अगली क्लास में बताएंगे। और ये एक बात याद रखो, जो जितने भी मैट्रिक्स के टाइप हैं इनकी डेफिनेशन एग्जाम में बहुत आती है। ठीक है, जिनमें से पाँच छः टाइप ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाता है सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल, यूनिटरी और हर्मेटियन और स्क्यू हर्मेटियन। ये इतने टाइप के जो मैट्रिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको आप ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। समझना तो सभी को है, ठीक है, क्योंकि पढ़ना तो हमें सब है, लेकिन मोस्ट क्या है वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो अब सबसे पहला कौन सा है, स्तंभ व्यू। स्तंभ व्यू क्या होता है, व्यू क्या होता है, वह है व्यू जिसमें कॉलम की संख्या एक हो। ठीक है, ना तो क्या बताया हमने, कॉलम मैट्रिक्स क्या है, वह मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या एक हो। ठीक है, कैसे, जैसे एग्जांपल समझते हैं, तो इसमें देखो क्या है, इसमें हमारा कॉलम केवल नहीं, कॉलम केवल एक है। ठीक है, और इसमें रोज कितनी है, एक दो है कि नहीं। ठीक, तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, वो मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या एक होती है, वो हमारा क्या कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स। समझ में आया। अगला नेक्स्ट क्या था दूसरा, भूल बहुत जल्दी जाते हो, समझ में आ रहा हो तो वीडियो को धड़ाधड़ शेयर करते जाओ, समझ में आ रहा है ना, है ना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो, जितने भी आपके दोस्तों है ना, सभी को जोड़ो। मैट्रिक्स ऐसे याद हो जानी चाहिए कि मुंह जुबानी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए सर जी छोड़ना नहीं है, है ना, उसको तो भैया अपने चंगुल में फंसानी है। तो रो मैट्रिक्स क्या होती है, रो मैट्रिक्स में सिंपल कौन सी मैट्रिक्स, वह मैट्रिक्स या वह आपकी हो क्या, कौन सा जिसमें वह आपकी हो, जिसमें क्या होता है, जिसमें रो की संख्या एक हो। कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या एक थी, रो मैट्रिक्स में रो की संख्या कितनी होगी, एक होगी। समझ में आ रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं अपन, एग्जाम्पल के लिए अपन कैसे देख लेंगे, वन टू थ्री। ठीक, देखो इसमें क्या है, इसमें हमारी रो कितनी है, रो है एक, और कॉलम कितने हैं, एक दो और तीन। ठीक ना, तो रो मैट्रिक्स क्या होती है, वो मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या एक होती है, तो एक रो हो बाकी कॉलम कितने भी हो, जरूरी नहीं है तीन ही हो। ठीक है, तो वो हमारी कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है, रो मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास देखते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स कौन सी है हमारी। तो नेक्स्ट क्लास में आपको बताएगा क्षैतिज आव्यूह, इसको अपन क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक, पसीना निकल रहा है कि नहीं, अभी कहे को निकलेगा भैया, अभी तो शुरुआत है कि नहीं, पसीना निकलेगा जब लंबे लंबे क्वेश्चन आएंगे, ठीक फिलहाल नहीं आएंगे। चलो तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स देखते हैं क्या होती है। अब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या है अपना, वह मैट्रिक्स या आव्यूह जिसमें नंबर ऑफ रो, जिसमें नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। ठीक, क्या है, वह
है मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो जो है वो लेस देन होंगे नंबर ऑफ कॉलम के, मतलब पंक्तियों की संख्या कॉलम से कम होगी, है ना? समझ में आया? लाइक छोड़ो फिर जल्दी से, क्या इंतजार करते रहते हो भाई? ठीक है, एग्जांपल समझते हैं इसका कैसे। जैसे हमने एग्जांपल के लिए आपको बताया कि एक हमारे पास मैट्रिक्स है 2 4 6 4 2 3 1 4। ठीक, अब इसमें देखो कैसे हम बताएंगे। तो देखो नंबर ऑफ रो बताओ पहले कितनी है, एक, और ये हुई हमारी दो। ठीक, तो नंबर ऑफ रो कितने हैं? दो। अच्छा, और नंबर ऑफ कॉलम? नंबर ऑफ कॉलम सर एक, दो, तीन और चार। तो कॉलम ज्यादा है, रो कम है, तो कॉलम की संख्या क्या होगी? देखो नंबर ऑफ कॉलम आपके ज्यादा होंगे और नंबर ऑफ रो क्या है? कम होंगे। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स समझ में आई होगी यहां तक सबको? ठीक है, समझ में आ रहा है तो लाइक करो यार और शेयर करो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, चैनल सब्सक्राइब करो। और जो बात हमने आपको बताई है वो बात याद रखो क्या, कि जितनी ज्यादा आप शेयर करोगे उतने ज्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे। और जैसे ही 200 प्लस हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 200 प्लस स्टूडेंट पर हम आपकी क्लास जो है क्या कर देंगे, लाइव स्टार्ट कर देंगे। तो लाइव क्लास का तो मजा ही कुछ और है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो अगर जो जो स्टूडेंट चाहते हैं कि उनकी ये क्लास जो है वो लाइव स्टार्ट हो जाए तो फिर भाई बड़ी मजा आया फिर तो, है ना? फिर तो उनका एक बिल्कुल सीरियल वाइज स्टार्ट हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, चलिए चौथा मैट्रिक्स कौन सा था आपका? ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स। ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, इसी आव्यूह को हम बोलते हैं बेटा जी, क्या? वर्टिकल मैट्रिक्स। ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स क्या होती है, चलिए समझते हैं। तो ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स क्या होती है? वह आव्यूह, वह आव्यूह जिसमें जिसमें क्या होगा अब आपका नंबर ऑफ कॉलम लेस देन नंबर ऑफ रो। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम लेस देन नंबर ऑफ रो, तो वो मैट्रिक्स कौन सी कहलाएगी आपकी? ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स। समझ में आया? अरे आया तो भाई, कुछ नहीं भाई, देखो भाई क्या बताएं, आप लोग समझते ही नहीं है, है ना? तो तुम नहीं समझो भाई, हमें तो समझा नहीं है। तो ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स देखते हैं क्या होती है। वह आपकी जिसमें नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो से छोट कम होते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए अपन क्या कहेंगे, देखो 2 1 4 3 1 6 8 1 2 2 9 7, ये एक एग्जांपल है। ठीक, और इसमें देखो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, सब्जी 1 और 2 और 3। अच्छा, और नंबर ऑफ रो कितने हैं, 1 2 3 और 4। सर जी नंबर ऑफ कॉलम जो है वो है 3 और नंबर ऑफ रो है 4, तो ये नंबर ऑफ कॉलम कम है नंबर ऑफ रो ज्यादा है, इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स होगा हमारा? ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स। समझ में आया? ठीक है, ऐसी हद देखो, तो ये नहीं बोलो कि सर हलवा पढ़ा रहे, है ना? अभी हलवा है तो है, हम क्या करते हैं उसके लिए? ठीक है, जो सिलेबस में है वो तो बताना तो पड़ेगा ना। ठीक है, आगे आगे देखो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है, चूंकि ये बहुत बेसिक चीजें हैं, बतानी जरूरी होती है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक, चलो अगला मैट्रिक्स क्या है? अगली मैट्रिक्स जो है वो हमने आपको बताई है वो है विकर्ण आव्यूह। कौन सा आव्यूह? विकर्ण आव्यूह। ठीक, जिसको अपन बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा किसी को अगर अपनी उन भाषा में, या देखो भाई हम की लैंग्वेज तो लिख नहीं रहे, उन भाषा लिख रहे हैं, उन लैंग्वेज लिख रहे हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेते जाओ जो भी डेफिनेशन है, एग्जांपल था। ठीक है, और अगर समझ में आ रहा है तो भाई
अपनी मतलब दिमाग से बनाओ डेफिनेशन, ठीक है? चलिए समझते हैं बिकॉर्ड ऑफ ये क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। तो वह आरक्यू जिसमें विकर्ण के अलावा, विकर्ण के अलावा सभी एलिमेंट क्या है, वो मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण, विकर्ण का मतलब होता है डायगोनल, है ना? तो डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट अगर क्या हो, जीरो हो, ठीक है, जीरो हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, विकर्ण आपके, ठीक है? सर ये समझ में नहीं आया, एग्जांपल से समझते हैं कि और अच्छे से आ जाएगा, ठीक है? जैसे हमने आपको बोला 1 0 0, ठीक है, 0 2 0 और 0 0, ठीक। अब देखो इसमें तो ये रहा आपका क्या, डायगोनल, ठीक है, ये रहा हमारा डायगोनल। तो डायगोनल में तो एलिमेंट्स हैं, देखिए डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट क्या हैं, जीरो। वही चीज तो लिखी, वो मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के अलावा सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, तो वो मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है, डायगोनल मैट्रिक्स। समझ में आया? तो फॉर लाइक, ठीक, अगला मैट्रिक्स, ठीक, नेक्स्ट है हमारी अदिश मैट्रिक्स, शायद वहां नहीं थी लेकिन बता दे रहे हैं, अदिश आरक्यू, इसको हम बोलते हैं इंडिया में, इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स बेटा जी, ठीक। अब समझते हैं स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि वह विकर्ण आपकी, स्केलर मैट्रिक्स एक टाइप की क्या है, विकर्ण आपकी हुई है ना, स्केलर मैट्रिक्स जो है वो एक टाइप की डायगोनल मैट्रिक्स होती है, जो हमारा विकर्ण आपकी पहले पढ़ा है ना अपन ने, वही चीज है, ठीक है। तो वह विकर्ण आपकी जिसके जिसके विकर्ण मतलब डायगोनल के अवयव, तो वह विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के अवयव क्या होते हैं, समान समान होते हैं, मैट्रिक्स क्या कहलाती है हमारी, अदिश आवयव कहलाता है, या स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जांपल के लिए अगर हम समझाएं आपको, तो हम कह सकते हैं कि 2 2 2 बाकी सब जीरो, ठीक। देखो इसमें डायगोनल यही है, क्या है डायगोनल, तो डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या है, समान है ना, बाकी सब, बाकी सारे एलिमेंट तो जीरो होंगे ना, क्यों, क्योंकि ये कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट आपके क्या हो, सेम हो, बाकी सारे एलिमेंट अगर हमारे जीरो होते हैं तो वो मैट्रिक्स हमारी कहलाती है स्केलर मैट्रिक्स। समझ में आया? आया तो फिर ठोकर ना लाए, देखो हम बता रहे हैं कि ठोकना है तो ठोक, नहीं ठोकना है तो अपना तो काम कराना है, सर ये पढ़ा रहे है ना, आप लोगों का परोपकार कर रहे हैं कि आप लोग की मैच में देखना है, ठीक। तो दबा के शेयर करो, दबा के लाइक करो और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ो, ठीक है। इसमें हमारा वाला नहीं है, इसमें आप लोगों का वाला है, क्योंकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहे हैं, आपसे कोई पैसे तो ले नहीं रहे हैं, मैं आ रहा हूँ, ठीक। चलिए देखते हैं, तो ये रहा अपना नेक्स्ट मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आपकी इकाई आवयव, कौन सा आवयव, इकाई आवयव जिसको हम बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। बेटा जी समझना इस मैट्रिक्स को, क्योंकि बहुत मोस्ट है ये, बहुत ज्यादा जगहों पे यूज होने वाली मैट्रिक्स है, ठीक है। ये जब आगे पढ़ेंगे तो इकाई आवयव या यूनिट मैट्रिक्स का यूज होगा, ठीक है। चलिए समझते हैं क्या है, तो ये भी एक टाइप का क्या होता है, विकर्ण आवयव या डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है, ठीक है। तो वह विकर्ण आवयव जिसके डायगोनल, अब क्या सर ये डायगोनल लिख दिया, विकर्ण नहीं लिख पा रहे, ये वो भी लिख दिया, ठीक है। तो वह विकर्ण आवयव या वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के सभी
एलिमेंट मतलब तत्व कैसे होते हैं, वन हो, ठीक है, क्या है वो विकर्ण अभ्यूज इसके डायगोनल के सभी एलिमेंट क्या हो, वन हो, समान नहीं, समान होंगे तो वो स्केलर कहलाएगी, वन होंगे तो फिर यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगी। एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, जैसे हमने कहा एक मैट्रिक्स है हमारी 1 0 0 1, ठीक, तो ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स होगी, 2 by 2 की मैट्रिक्स के लिए ये हमारी किसकी है, जो हमारी ये है, ठीक, ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स होगी। अच्छा एक चीज और, इस मैट्रिक्स को इसे हम किससे, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सी मैट्रिक्स को, यूनिट मैट्रिक्स को, तो 2 by 2 की अगर यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 0 0 1, अगर हम 3 by 3 की मैट्रिक्स कहें तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसकी वैल्यू हमेशा के लिए याद रख लो बेटा जी, ठीक है, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा यूज होने वाली मैट्रिक्स है, स्क्रीनशॉट ले लो अगर किसी को लेना है तो, ठीक है, बहुत मोस्ट है, जो मोस्ट होगी हम बता देंगे आपको, ठीक है, रेडी है भैया, चलिए ठीक है, ठीक, तो ये रहा आपका यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट मैट्रिक्स हम समझते हैं, जो हमने आपको बताई थी वो है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, आपकी हम बोलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, त्रिभुजी आपकी, तो देखिए त्रिभुजी आपकी क्या है, त्रिभुजी आपकी बेटा जी जो है वो दो टाइप का होता है, ठीक है, त्रिभुजी आपकी वो दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा उच्च त्रिभुजी आव्यूह, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा निम्न त्रिभुजी आव्यूह, जिसको हम बोलते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, और इसको अपन बोलते हैं लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक, समझ में आया ना कि जो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है वो अपनी दो टाइप की होती है, एक होता है आपका उच्च त्रिभुजीय आव्यूह या अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, और दूसरा होता है निम्न त्रिभुजीय आव्यूह या लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक, अब समझते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक, अगला है हमारा उच्च त्रिभुजीय आव्यूह, जिसको हम बोलते हैं अपर ट्राइंगुलर, राइटिंग नहीं आ रही क्या, समझ में, चलो देखते हैं मैं सही से लिख दे रहा हूँ, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक, चलो तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, समझते हैं, ठीक, एक ऐसी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण जो होता है उसके नीचे के एलिमेंट जीरो हैं, ठीक है, एग्जांपल के लिए समझते हैं, जैसे हमने आपसे बोला 1 2 3 4 5 6 2 4 5, ठीक, इस मैट्रिक्स का अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स UTM मतलब अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स फाइंड करो, ठीक, तो हम क्या करेंगे, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स अगर इसकी हम बनाएंगे तो वो क्या होगी अपनी, ठीक है, तो देखो बेटा जी क्या है, हमारा जो डायगोनल है इस डायगोनल के नीचे के एलिमेंट हम जीरो कर देंगे बाकी सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 1 4 2 0 5 4 0 0 और 5, समझ आया कि नहीं आया, है ना, देखो फिर से समझो, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, उच्च त्रिभुजीय आव्यूह जिसमें क्या बोला हमने, विकर्ण के नीचे के सभी एलिमेंट जीरो हो जाएंगे,
ठीक, जैसे हमने आपसे बोला कि ए मैट्रिक्स है ये 1 4 2 2 4 5 4 और 3 6 5 एग्जांपल ले लिया है ना, इसका हमने बोला आपसे कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यूटीएम मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फाइंड करो। ठीक, तो इसके लिए अपन ने क्या बताया हमने कि इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा डायगोनल है उस डायगोनल के नीचे के, तो डायगोनल हमारा ये रहा अपना 1 5 5। ठीक, अब इसके नीचे के एलिमेंट कौन सा है, 2 3 और 6। तो हमने क्या किया, 2 की जगह पे 0 कर दिया, 3 की जगह पे 0 कर दिया और 6 की जगह पे 0 कर दिया, बाकी डायगोनल एज इट इज रहेगा और उसके ऊपर के एलिमेंट एज इट इज रहेंगे। तो ये आपकी इसकी क्या कहलाएगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक, अगला देखते हैं, समझ में आया कि नहीं आया बेटा, पहले ये बताओ ये वाली मैट्रिक्स। ठीक है, समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्या है वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसमें रिकॉर्ड के नीचे के सभी एलिमेंट 0 होते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक, अब अगली देखते हैं, निम्न त्रिभुजीय आक्यू, इसको हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, अब देखो ये क्या है। ठीक है, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या है, वह है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, वह है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसमें रिकॉर्ड के ऊपर के सभी अवयव या एलिमेंट क्या हो, 0 हो। ठीक, तो ये आपकी कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, निम्न, जैसे हमने आपसे बोला कि एक एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 6 2 5 7 6। ठीक, और इसका हमें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स LTM मतलब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फाइंड करना है बेटा जी। ठीक, तो अपन क्या करेंगे इसके लिए, तो देखो हमने बताया कि आपका डायगोनल, तो डायगोनल क्या है 1 6 6। ठीक, इस डायगोनल के क्या करना है, ऊपर के एलिमेंट 0 कर देना है बस। ठीक, तो 1 इस डायगोनल के ऊपर 2 है तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा, ये 0 हो जाएगा, ये जैसा है वैसे रहेगा, ये जैसा है वैसे रहेगा। ठीक, ये बन गई आपकी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो ये रहा आपका निम्न त्रिभुजीय आक्यू। ठीक, तो जहां तक है आशा करते हैं ये सब चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, सिक्स्थ क्लास जो है वो आपकी होगी, नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि मैट्रिक्स को कैसे जोड़ा जाता है, मैट्रिक्स को कैसे घटाया जाता है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक और भी मैट्रिक्स हैं, ठीक है, वो मैट्रिक्स कैसे फाइंड की जाती है, कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकाली जाती है, एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, ये सारी जो है वो आपको अगली क्लास में बता दी जाएगी। ठीक है, सभी, अच्छा एक चीज और, ये जो मैथ हम पढ़ा रहे हैं ये सिविल ब्रांच में नहीं है। ठीक है, सिविल थर्ड सेमेस्टर में ये मैथ नहीं है, सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को छोड़कर बाकी जितनी भी ब्रांचेस हैं उन सभी ब्रांचेस में, मतलब कौन कौन सी ब्रांच, मोस्टली जो ब्रांच है वो है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स हुई, ठीक है, एक आपकी इलेक्ट्रिकल हुई, ठीक है, दूसरी आपकी CS हुई, IT हुई या IC है, ठीक है, मैकेनिकल हुई, ठीक है, ये सारी ब्रांचेस में आपकी ये जो है वो मैथ है। ठीक है, तो ये सारे स्टूडेंट्स जिन जिनको अभी तक जो हमने पढ़ाया वो सिर्फ बेसिक चीज़ें बताई हैं आपको पहली क्लास में। ठीक है, तो इन सबको अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम आपको बताएंगे क्या कि अगली क्लास में अपन क्या सीखेंगे कि मैट्रिक्स को कैसे जोड़ना है घटाना है, वो सारी चीज़ें अपन इसमें सीखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बेटा लोग कि हमने आपको बताया 200 प्लस स्टूडेंट अगर हो जाएं जो चाहते हैं कि क्लास लाइव स्टार्ट हो, ठीक, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, वीडियोस जो हैं उनको लाइक करें, ठीक है, सब चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, एक घंटी होती है इस टाइप की, ठीक, इस टाइप की घंटी होती है, उसको बेल आइकन दबा लो, बजा के बढ़िया सा
है ना, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें या चैनल के बारे में बताएं कि भाई मैथ पढ़ा रहे हैं। और हम मैथ के अकेला नहीं पढ़ाएंगे, आपके जितने सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। फिलहाल हमने मैथ स्टार्ट कर दिया है क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनको लाइव पढ़ाने में मजा आएगा। तो हम सोच रहे हैं मैथ स्टार्ट करते हैं। अब अगर बच्चे चाहते हैं कि उनकी लाइव क्लास स्टार्ट हो, ठीक है, तो वीडियो को शेयर करें। ठीक है, अच्छा दादा, पहला राम राम, ठीक है, जय हिंद।